हाँ दोस्तों, अभी भी हरियाणा से सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बुढ़ापा पेंशन, बड़ी खुशखबरी आई है। पेंशन डालनी शुरू हो चुकी है। अब की बार 2750 रुपए पेंशन सभी के खाते में आएगी। तो दोस्तों, हरियाणा में बुढ़ापा, विधवा, विकलांग पेंशन को लेकर के बड़ी खुशखबरी आई है। लंबा इंतजार खत्म हो चुका है। हरियाणा सरकार द्वारा नवंबर महीने की पेंशन भी डालनी शुरू हो गई है। अब बात करते हैं कि हरियाणा सरकार द्वारा अक्टूबर महीने की पेंशन कब तक डाली थी, और पिछली बार यानी कि अक्टूबर महीने की पेंशन 14 नवंबर को डाल दी गई थी। इसलिए अब की बार भी नवंबर महीने की पेंशन हरियाणा सरकार द्वारा, जो कि नवंबर महीने की पेंशन 15 दिसंबर तक सभी के खाते में डाल दी जाएगी। समाज कल्याण विभाग द्वारा नया नियम लागू किया गया है। अगर किसी की पेंशन ज्यादा इनकम के कारण रोक दी गई है तो अपनी फैमिली आईडी में इनकम ठीक करवा लें, उन सभी की पेंशन ऑटोमेटिक डालनी शुरू कर दी जाएगी। जो पिछले महीने की रुकी हुई पेंशन थी वो भी सभी पेंशन डाल दी जाएगी। अब की बार पेंशन 2750 रुपए आएगी। हरियाणा सरकार द्वारा पेंशन बढ़ाने की तैयारी कर रही है। जल्द ही पेंशन बढ़ाई जाएगी और अब तक ऑफिशियली नोटिस जारी नहीं किया गया है। 9 अक्टूबर महीने की पेंशन 15 नवंबर को डाल दी गई थी और नवंबर की पेंशन 15 दिसंबर से डालनी शुरू हो जाएगी। तो आप सभी लोग निश्चिंत रहें।